1992 मुंबई के जेजे हॉस्पिटल का धमाकेदार शूटआउट। 20 राउंड में चली 500 गोलियां। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से जुड़ा किस्सा। ये किस्सा है उस गैंगस्टर का जिसका एहसान आज भी इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम पर है। हम बात कर रहे हैं यूपी के टॉप 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में शामिल माफिया बृजेश सिंह की। नमस्कार, मैं हूं संजना सिंह और आज इस वीडियो में हम आपको माफिया बृजेश सिंह की कहानी बताएंगे। कहानी शुरुआत से जब वो बृजेश नहीं बल्कि अरुण सिंह हुआ करता था। साल 1964 वाराणसी के धौरहरा गांव में अरुण यानी बृजेश का जन्म हुआ। बृजेश के पिता एक किसान थे और उनका सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर IAS बने। अरुण पढ़ाई में भी अच्छा था। उसने 12th के बाद BSc में एडमिशन लिया और IAS बनने की तैयारी में लग गया। सबकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। अरुण की जिंदगी में भी एक ऐसा दिन आया जिसने उसे एक होनहार स्टूडेंट से माफिया बना दिया। ये बात है साल 1984 की, तारीख 27 अगस्त। इस दिन गांव के 6 दबंगों ने अरुण के पिता की हत्या कर दी। अरुण अपने पिता की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने ठान ली कि वो इसका बदला लेगा। अरुण के पिता की हत्या का आरोप पड़ोस के पांचू पर लगा। इसका बदला अरुण ने पांचू के पिता को मार कर लिया। दरअसल अरुण पांचू के घर पहुंचा, वहां उसने पांचू के पिता के पैर छुए, उन्हें शॉल भेंट की और बंदूक निकाल कर गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद अरुण के पिता की हत्या में गांव के प्रधान का भी नाम सामने आया था, जिसे अरुण ने भरी कोर्ट में AK-47 से छलनी कर दिया। इसके बाद सिकरौरा गांव में पूर्व प्रधान सहित 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना में अरुण को भी गोली लगी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने घायल अरुण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और वह फरार हो गया। कुछ साल बाद पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार किया और यहीं से IAS बनने वाला अरुण सिंह माफिया बृजेश सिंह बन गया। इतनी हत्याओं के बाद जनता के बीच बृजेश बने अरुण का खौफ पैदा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जेल में उसकी दोस्ती त्रिभुवन सिंह से हुई। साल 1988 में त्रिभुवन के भाई राजेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या में 2 लोगों का नाम सामने आया, वो है साधु सिंह और मुख्तार अंसारी। और यहीं से शुरू हुई 2 माफियाओं यानी बृजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच गैंग वार। बृजेश के खिलाफ यूपी छोड़ अन्य राज्यों में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साल 2008 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। तब से माफिया बृजेश सिंह जेल में बंद है, पर जेल भी बृजेश को रोक नहीं सका। जेल में होने के बावजूद भी वो यूपी विधान परिषद का सदस्य बन गया। बृजेश सिंह देश का एकमात्र MLC रहा है जिस पर 41 केस दर्ज हैं। मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट, टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, हत्या, हत्या की साजिश, दंगा भड़काने, वसूली और धोखे से जमीन हड़पने के मुकदमे दर्ज हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए पत्रिका यूपी के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।